हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं A5 साइज में बिल बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पेज का मार्जिन, पेज का साइज सेट करना है। उसके लिए आना है पेज लेआउट मेनू में। ये देखिए साइज है, साइज हम लोग को क्या रखना है, तो A5 बिल बनाना है तो A5 साइज रखना है। उसके बाद मार्जिन आप अपने अनुसार कस्टम मार्जिन से भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कि टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सारा में जो मार्जिन है 0.5 है, तो एक नॉर्मल मार्जिन होता है इसीलिए हम यही यूज कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, तो नैरो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो पेज बॉर्डर पे आना है और बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे विड्थ आप जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इंसर्ट मेनू में आना है, टेबल में आना है और यहाँ से हम लोग को 4x5 टेबल इंसर्ट करना है, ये देखिए। उसके बाद ऊपर वाले टेबल को हम लोग को क्या करना है, तो बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। आपको जितना रखना है यहाँ से चूज करके बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये देखिए इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर इसको और कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इरेजर लेना है और ये जो हमारा लाइन है इसको इरेज कर लेना है, फिर से इरेजर पे क्लिक कर देना है। आप जितना साइज रखना चाहते हैं रख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इसको पकड़कर ऊपर नीचे। अब इसमें हम लोग को राइट करना है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट राइट करने के लिए इंसर्ट मेनू में आना है, शेप्स में आना है और यहाँ पे देखिए कि टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इसको हम लोग को इस तरह से कुछ इंसर्ट कर लेना है। थोड़ा सा साइज आप जूम इन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो इसमें जो आप लिखना चाहते हैं आपको उस टेक्स्ट को टाइप करना है। तो हम हिंदी बिल बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी फॉन्ट चूज कर लेते हैं, आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या नाम है उनका, तो आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, साइज आपको क्या रखना है, तो 14 साइज हम रख रहे हैं, सिर्फ इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। अब क्या करना है, तो ये देखिए कि कुछ बॉक्स की तरफ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को फॉर्मेट मेनू में आना है, शेप फिल पे क्लिक करना और नो फिल करना है, शेप आउटलाइन पे क्लिक करना और नो आउटलाइन करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बॉक्स में है लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा कि बॉक्स में। अब इसको हम लोग को जहाँ पे सेट करना है आपको वहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद इसी का हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा जैसा आप चाहिएगा, तो उस सेम करने के लिए क्या करना है, तो कंट्रोल बटन को होल्ड करना और ये देखिए आपका माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, इसको पकड़ कर खींच लेना आप जिधर रखना चाहते हैं, ये देखिए। फिर इसके बाद क्या करना है, तो एडिट कर लेना है, आप जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद उसी तरह से कंट्रोल बटन को होल्ड करना और इसको मूव कर लेना, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो मोबाइल नंबर डालना, ये एमएस वर्ड में कभी कभी टाइप करके स्पेस दीजिएगा तो कुछ चेंजिंग हो जाता है, तो उसके लिए डरने की बात नहीं, आप एक बार बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो आपका रिटर्न आ जाएगा। मोबाइल नंबर बीच में हाइफ़न डाल देते हैं, सॉरी शिफ्ट 7। उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, उसके बाद आप जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, 2 4 6 7 10 डिजिट। यहाँ से हम लोग को साइज क्या कर लेना है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेना और इसको इधर मूव कर लेना, ये देखिए आपका नीचे आ गया इसलिए ऊपर पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो इसका साइज को हम लोग को इंक्रीज डिक्रीज करना है, इस तरह से सेट कर लेना है। आप इसको एरोस की मदद से अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो फिर से हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स लेना है, नहीं तो आप इसका कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी नहीं कंट्रोल बटन को होल्ड करके और क्या कर लेना है, तो मूव कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसका साइज हम लोग क्या करना है, तो बड़ा कर लेना है, ये देखिए सिलेक्ट करना है और यहाँ से साइज हम लोगों को
मिनिमम कितना, तो 36 रख लेते हैं। और इसमें टाइप करना है क्या, तो गणेश जो आपका नाम है, मतलब जो आप स्टोर का नाम या जो आप बना रहे हैं जिनके नाम से, वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ये पेरिंग वर्क शॉप। अब इसको थोड़ा सा आप राइट और थोड़ा सा लेफ्ट, ये उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा नीचे कर लेना है। यहाँ पे हम लोगों को ये आप अपने अनुसार फिक्स कर सकते हैं, अगर साइज और बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, तो कंट्रोल ए करना, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे 36 के बाद 38 नहीं है या 40 नहीं है, तो आप यहाँ से राइट भी इसको कर सकते हैं। जैसे हम लोग को 38 रखना है, 38 राइट करके और इंटर कर दीजिए, वो साइज में आपका आ जाएगा। नहीं तो 40 रखना है, तो यहाँ से 40 इंटर। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हो चुका। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोग को यही टेक्स्ट को फिर से मूव कर लेना है कंट्रोल के साथ। यह मूव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ना तो टेक्स्ट का स्टाइल बार बार चेंज करना पड़ेगा, नहीं सेफ फिल, सेफ आउटलाइन, यानी कोई भी इफेक्ट को बार बार आपको ना तो हटाना पड़ेगा और नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना, आपका एड्रेस क्या है उस चीज़ को आप जिस तरह से टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बॉक्स में करना चाहते हैं तो भी, और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी। अब इसको हम लोग बाहर मूव कर लेते हैं और उसके बाद इंसर्ट में आते हैं, शेप्स में आते हैं और यहाँ से एक शेप्स को इंसर्ट करते हैं। ये देखिए डबल हो चुका है, एक को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को इसको सेंटर में रख लेना है और इसको पकड़ के शेप में मूव कर लेना है। ये देखिए अभी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो हमारा बैक में चला गया है, तो इसको फ्रंट पे कर लेंगे। ये देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे आ गया है। अब इसका साइज हम लोग जैसा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके होम मेनू में आना है और मिनिमम 20 दे देते हैं और थोड़ा सा इसका शेप जो साइज है इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो अगर आप इसका स्ट्रोक यानी शेप पे भी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शेप फिल ब्लैक कलर, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर इसका आउटलाइन हम लोग चेंज कर लेते हैं। सॉरी, शेप आउटलाइन से आउटलाइन, इसका जो वेड्थ है इसको हम लोग क्या करते हैं तो बढ़ा लेते हैं, 3 PT हो गया। अब इसको हम लोग सेट कर लेते हैं ऊपर नीचे, ये देखिए। उसके बाद फिर से हम लोग को कॉपी करना है, यानी कंट्रोल बटन को प्रेस करके और मूव कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसका जो साइज है बड़ा कर लेना है। और इसमें हम लोग को टेक्स्ट इंटर करना है, क्या इंटर करना है, तो आपके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, यानी आप जो भी इसमें टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जो आपको टाइप करना हो वो आप टाइप कर सकते हैं। गेट एवं जाली का कार्य, संतोष जनक किया जाता है। ये देखिए अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो स्पेस है इसको कम कर लेते हैं और साइज क्या कर लेते हैं तो बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल ए, और यहाँ से आप जितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। 20 रख रहे हैं और यहाँ से लाइन स्पेसिंग हम लोग को क्या कर लेना है, तो कम कर लेना है। इसका साइज थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, कंट्रोल ए, और अब इसको सेंटर कर लेना है। उसके बाद हम लोग को क्या, इसके बाद हम लोग को अगर नाम वगैरह भी कुछ रखना है तो वो भी रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं, तो अभी हम लोग टेबल को ऊपर कर लिए, जस्ट इसको नीचे कर लेते हैं
कुछ स्पेस ऐड कर लेते हैं और इसी को हम लोग कंट्रोल बटन को होल्ड करके और डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एडिट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बिल में आपका दिनांक क्रमांक नाम रखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं वो भी क्रमांक, और उसके बाद हम लोग डॉट डॉट देते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ टास्क वैसा है नहीं जो टाइप कर सके। दिनांक डॉट डॉट, उसके बाद इंटर करना है और यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है क्या, तो नाम। अगर और भी कुछ रखना है तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं, हम बस इतना ही रख रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको कंट्रोल ए करना है और यहाँ से हम लोग को लाइन स्पेसिंग देख लेना है, देखिए कि कम है। अगर आप साइज़ कम करना चाहते हैं तो वो कम कर सकते हैं और इसको बोल्ड से अनबोल्ड कर दीजिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसका साइज जो है वो हम लोग डॉट डॉट और ऐड कर देते हैं, तो इसका जो लाइन है वो हमारा फुल हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का देखिए कि शेप का जो आउटलाइन है वो यहाँ तक है और हमारा जो टेबल है उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है, तो स्पेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करना है, तो यहाँ से टेबल को ऊपर कर लेना है और इसमें अब हम लोग को क्या करना है, तो सबको सिलेक्ट करना और जो साइज रखना है एक बार हम लोग को चूज कर लेना है साइज, और फॉन्ट जो भी आपको चेंज करना है एक बार में कर लीजिए और यहाँ से हम लोग को सेंटर कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या टाइप करना है, तो विवरण, कोई भी लिस्ट का हम लोग का विवरण यहाँ पे टाइप करना है कि क्या सामान हम लोग सेल किए हैं, और उसके बाद हम लोग को विवरण के बाद टैब करना है और उसके बाद क्या टाइप करना है, तो दर, फिर से टैब लेना है और यहाँ पे तादाद। ये देखिए कुछ प्रॉब्लम्स होती है इसमें टाइप करने के बाद, तो आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद फिर से टैब प्रेस करना है और यहाँ पे कीमत। अब क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ से इंटर प्रेस करना है कुछ इस तरह से, पूरे पेज को हम लोग को फिल कर लेना है। ये देखिए हो चुका है। अब हम लोग का इसका साइज विवरण है, तो हम लोग कोई वस्तु का नाम रखना है तो ये ऑटोमेटिक है कि इसका साइज हम लोग को बड़ा रखना पड़ेगा। इसका साइज आपका जो है टेक्स्ट का उसके अनुसार हम लोग को क्या करना है, तो फिक्स कर लेना है। ये देखिए मार्जिन से कीजिएगा तो मार्जिन बाहर चला जाएगा, इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए आप ये लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक ड्रैग करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप इसको पकड़ कर ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है, सॉरी यहाँ पे अभी हमारा इंग्लिश फॉन्ट है तो इस फॉन्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो कॉपी कर लेंगे या फिर डायरेक्ट आप हिंदी फॉन्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए आपका क्या था, तो 041 कुल योग, यहाँ पे देखिए कि ये हमारा कुल योग का ऑप्शन हो चुका है। अब ये दोनों सेल को हम लोग को क्या करना है, तो राइट क्लिक करना और यहाँ से मर्ज कर लेना, मर्ज सेल, दोनों हमारा क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन को हम लोग क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है और आप इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं और मर्ज से मर्ज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा मर्ज सेल आ जाएगा, ये हमारा मर्ज हो चुका है। अब इसमें हम लोग हिंदी फॉन्ट लेकर आप टेक्स्ट बॉक्स से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं हस्ताक्षर, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो डॉट डॉट ये हम लोग को फिल कर देना है। ये देखिए हमारा जो बिल बुक है वो तैयार हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।